उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उनके सहयोगी गुलाम के साथ एक और नाम जुड़ा, वो नाम है बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिसका जिक्र अतीक कर रहा था और अचानक उस पर ताबड़तोड़ 8 गोलियों से उसे भून दिया गया। तो ऐसे में एक ही सवाल सबके मन में है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम कौन है। बमबाज के नाम से गुड्डू मुस्लिम को जाना जाता है। जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम अतीक अहमद ले रहा था उसे बम बनाने का एक्सपर्ट माना जाता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफिया गिरोहों के लिए काम किया करता है गुड्डू मुस्लिम। बाद में उसने अतीक अहमद के साथ बुलावे पर उसके साथ काम करना शुरू किया। ये भी कहा जाता है कि महज 15 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम ने छोटी मोटी चोरियों से अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन कुछ समय बाद बाहुबलियों की पनाह मिलने के बाद उन्होंने बम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन गिरोहों के बीच वो इतना मशहूर हो गया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले हर बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम भी जुड़ने लगा। गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह सहित कई ऐसे कथित माफियाओं के लिए लगभग 2 दशक तक काम किया। हालांकि अब गुड्डू मुस्लिम को अतीक अहमद का दाहिना हाथ माना जाता था। गुड्डू का नाम लखनऊ पीटर गोम्स मर्डर केस में भी सामने आया था। ये गोम्स मर्डर केस क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। फरवरी महीने में हुई उमेश पाल हत्या के बाद आए सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम को मौके पर बम फेंकते हुए देखा जा सकता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हाथ में झोला लिए हुए जो शख्स बम फेंक रहा है वो गुड्डू मुस्लिम ही है। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम, जो शार्प शूटर है, गुलाम के साथ गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है और अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर उमेश पाल के हत्याकांड के बाद 5 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। 24 फरवरी 2023 को धुमनगंज में राजू पाल के हत्या के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल की गोली मारकर बम मारकर हत्या कर दी जाती है और इस घटना में अतीक अहमद के परिवार के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें कोर्ट अब दोषी भी करार कर चुके हैं। इसी कड़ी में एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद की मौत हो जाती है। धूमनगंज में 24 फरवरी को जो हुआ उसमें एक आदमी का नाम खूब सुनाई पड़ने लगा, वह नाम था बमबाज गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल के मर्डर का अगर सीसीटीवी फुटेज वीडियोज आपने देखा है या फिर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वही शख्स है जो आपको नजर जरूर वहां पर आपको टिक जाएगी, जो हाथ में एक झोला लिए हुए है और बड़े ही आराम से इस झोले से बम निकालकर फेंकता है और उमेश पाल को मारने का प्रयास करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की कहानी कितनी खतरनाक है? कितना खतरनाक है गुड्डू मुस्लिम? बमों के साथ गेंद की तरह खेलने वाला गुड्डू मुस्लिम कितना बड़ा अपराधी है, अगर आप ये जान जाएंगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि जो बम को गेंद समझकर खेलता हो वो कितना खतरनाक हो सकता है। बदमाशी का शौक बचपन से था। गुड्डू मुस्लिम का जन्म इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, में हुआ। बदमाशी उसका शौक था, बाद में यही आगे चलकर उसका प्रोफेशन भी बन गया। स्कूल के दिनों में ही वह लूट और रंगदारी का काम करने लगा था। इसी दौरान उसने एक के बाद एक कई बदमाशों और अपराधियों के संपर्क में आने लगा। बताया जाता है कि इसी समय से ही वह बम बनाने लगा, लेकिन उसकी बढ़ती बदमाशी से उसके घर वाले परेशान थे और पढ़ाई करने के लिए लखनऊ भेज दिया। लेकिन यहाँ गुड्डू मुस्लिम अपराध करना शुरू कर दिया और इस दौरान उसकी मुलाकात पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि अब पूर्वांचल है, इसके 2 बाहुबलियों से हुई। बाहुबली अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया करते थे। गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार तब चर्चा में आया था जब साल 1997 में उसने अपने लखनऊ के चर्चित लामा ट्रेनिंग स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी थी। इस मामले में गुड्डू की गिरफ्तारी भी हुई। इस मामले में गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। जानकारों के मुताबिक गुड्डू ने इस दौरान अपना गुनाह भी कबूल किया था, लेकिन पुलिस कोर्ट में गुड्डू को दोषी साबित नहीं कर पाई और नतीजा ये हुआ कि कोर्ट में तीनों बरी हो गए। अब आपको बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम का गुरु कौन है।
उसका गुरु जिसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। अपराध की दुनिया में गुड्डू की मुलाकात एक समय पर यूपी के खूंखार और चर्चित माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। गुड्डू श्री प्रकाश शुक्ला को ही अपना गुरु मानने लगा, लेकिन जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो गया तो गुड्डू गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा के संपर्क में आया। परवेज पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता था। परवेज यहां नकली नोटों के तस्करी के लिए भी कुख्यात था और उसे लोग जानते भी थे। परवेज ने ही गुड्डू की मुलाकात तो श्री प्रकाश शुक्ला से कराई थी। गुड्डू परवेज के लिए बम बनाता था और इसके बाद परवेज के जरिए ही गुड्डू की मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान सिंह से हुई थी। इसके बाद एक तरफ जहां गुड्डू को पुलिस ढूंढ रही थी, गुड्डू बिहार भागकर चला गया था और उदयभान के लिए काम करने लगा। बिहार में भी गुड्डू ने कई ऐसे कांड किए जो अभी भी चर्चा में है। अतीक अहमद का खासम खास गुड्डू मुस्लिम को कहा जाता है, राइट हैंड भी कहा जाता है। साल 2001 तक गुड्डू पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके थे और यूपी पुलिस को गुड्डू की तलाश थी। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने गुड्डू को पटना में गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद ने ही उसे जेल से छुड़वाया था। जेल से निकलने के बाद गुड्डू अतीक अहमद का खास बन गया और अतीक के लिए काम करने लगा। इसके बाद वह अतीक के इशारों पर बड़े बड़े कारनामे करने लगा और पूरे गैंग की जिम्मेदारी भी संभालने लगा। अतीक अहमद के अधूरे काम को पूरा करना ही गुड्डू का अंतिम लक्ष्य बन गया था। इसी कड़ी में साल 2005 में बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या हो जाती है और इस हत्या में अतीक अहमद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन इस हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आता है। CBI द्वारा गुड्डू को आरोपी बनाकर चार्जशीट दाखिल किया जाता है और इस दौरान जब पुलिस अतीक को गिरफ्तार करती है तो गुड्डू मुस्लिम अंडरग्राउंड हो जाता है। इस दौरान वह अपने पैसों को रियल एस्टेट में लगाना शुरू कर देता है और ये भी जारी रहती है, बहुत दिनों पर जारी रहता है रियल एस्टेट में इसका पैसा लगाना। पैसे आते रहते हैं और अतीक के पूरे गैंग को वह ठीक तरीके से संभालता रहता है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की देर रात पुलिस की मौजूदगी में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या उस वक्त हुई जब पुलिस दोनों भाइयों को मेडिकल चेकअप के लिए कालवीन हॉस्पिटल में ले जा रही थी। पुलिस ने तीनों हमलावर को हिरासत में ले लिया है। दोनों की हत्या से महज 2 दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद का यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में कथित एनकाउंटर कर दिया। गोली चलने के बाद चंद सेकंड पहले ही अतीक अहमद ने मीडिया से बातचीत भी की थी। इसी बातचीत के दौरान उसने उसके भाई अशरफ ने कैमरे पर गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था और कुछ कहना ही चाह रहा था कि उसे गोलियों से भून दिया गया। हमलावर ने अतीक अहमद की कनपट्टी पर पिस्तौल चला दी। अतीक नीचे गिर गया और दूसरे ही पल अशरफ अहमद पर भी कई राउंड फायरिंग की गई। दोनों की मौत मौके पर हो गई। अब यूपी पुलिस ने SIT का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच हो रही है पर सुरक्षा कानून व्यवस्था पर भी योगी सरकार सवालों के घेरे में है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।